आ रही हो। ये रिकॉर्डिंग भी जरूरी थी। ये मिस मुनीरा ने डैशबोर्ड बना के मुझसे शेयर किया मूवीज मूवीज का, और इसके पीछे इन्होंने कुछ स्टेप्स किए हैं। मैंने ने कहा था कि वो आप खुद बयान करें, तो इन्होंने कहा जी सर मुझे बताने में शायद थोड़ा सा इश्यू हो, तो मैंने कहा मैं खुद देखे जी आपके सामने है। इन्होंने फिल्टर लगाया है ईयर, ये देखिए ईयर इन्होंने सारे एक रेंज बना ली है, सालों की रेंज भी बनाई है, सिर्फ फिल्टर नहीं किया फिर उसके बाद रेंज भी बनाई है। फिर इसमें इन्होंने ईयर सारे जो थे ना, जो एस हसन और बाकी ये, लेकिन इसमें मेरा ये बीच में ये वाले गड़बड़ आ रहे हैं, ये देखिए ये वाले निकाल देते ना, इसकी कोई जरूरत नहीं थी, बाकी आपने ठीक कर ली है, लेकिन मैं अभी बताता हूँ इसको कैसे किया जा सकता है। बाकी आप ये और जो नल है वो मुझे समझ नहीं आ रहे थे कि डिलीट किस तरह होंगे, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मुझसे हुआ नहीं था पॉजिटिव, इसलिए ये रह गए। चले कोई बात नहीं, लेकिन आपने फिर भी ये यहाँ तक तो पहुंच गई ना, आपने एक डिजाइन भी बना लिया, फिल्टर भी लगा लिया, मूवी टाइप भी आपने एनिमेशन एक्शन वाओ आपने ये सारा कुछ भी कर लिया, दैट्स ग्रेट। बाकी सब लोगों के लिए एक मोटिवेशन होनी चाहिए कि एफर्ट्स हैं, अब इसमें देखते हैं। फिर ये जी इन्होंने टोटल मूवीज हैं 10K, वोटिंग रेंज ये कुछ परसेंटेज बनाने की कोशिश की है, जो एक्सप्लेन ठीक से नहीं कर पाई, लेकिन ये बहुत अच्छा है ईयर वाइज ट्रेंड का, 10 से 20 में इतनी मूवीज थी, ये है नंबर ऑफ मूवीज है ये। जी जी सर ऐसा ही है, नंबर ऑफ मूवीज है। मुनीरा प्लीज रिक्वेस्ट करूंगी मैं आपसे, जरा इसको एलैबोरेट करें तो आई विल फील मोर पावरफुल। मैं तो चाह रहा हूँ ये खुद एलैबोरेट करें, कोशिश करो, कोई तुम्हें नहीं देख रहा। मैं भी नहीं देखी, मैं बोलूंगी भी नहीं। अच्छा ठीक है सही है। यहाँ पे ईयर वाइज मैंने किया था, पहले मैंने ईयर वाइज फिल्टर लगाया, ईयर को मैंने फिल्टर करके अलग किया, उसके बाद मैंने रेंज लगाई थी उसकी, और वो मैंने एड कॉलम में जाके किया था, जहां से सिलेक्शन फ्रॉम सिलेक्शन का ऑप्शन है एड कॉलम में, वहां से आप मैंने अभी आप रेंज नहीं बनाई। नहीं नहीं आप अभी मुझे सिर्फ बताओ कि ये ग्राफ क्या कह रहा है, मैं आपकी एक्सेल शीट खोलता हूँ फिर उसमें सबको बताना। अभी आप ये ग्राफ बताओ कि ये वाला ग्राफ आपने क्या बनाया, नंबर ऑफ मूवीज है, ये नंबर ऑफ मूवीज है सर ईयर वाइज, मतलब 2010 से लेके 2020 तक इतनी मूवीज आई थी, और 2020 से लेके 2030 तक इतनी थी, ये रेंज वाइज नंबर ऑफ मूवीज है। ठीक हो गया। और ये आपने मैट्रिक्स स्लाइसर भी लगाया हुआ है, इसको भी यूज किया जा सकता है, ये भी यूज हो सकता है कि आप आगे पीछे कर दो, नंबर ऑफ मूवीज के ऊपर आपने लगाया हुआ है। चलो अब अगला ग्राफ क्या कहता है, ये अगला ग्राफ बताया क्या कहता है। ये रेटिंग वाइज मैंने किया था सर, जो 7 से 11 तक की रेटिंग में कितनी मूवीज आ रही थी, 3 से 7 तक की रेटिंग में कितनी मूवीज आ रही थी, और 1 से 3 तक, बाकी जो 1820 है ये नल था, उसमें डेटा नहीं था इसका। ठीक है। और ये रन टाइम वाइज है, ये मिनट्स है, रन टाइम है सर, जी जी सर मिनट्स में है कि कितने टाइम में रन हुआ है, मतलब वो मूवी का जो टाइम है वो कितने मिनट्स की है, उसमें कितने जी सर नंबर बिल्कुल मूवी, जी फिर जी आपने वो है, मूवी फिर ये मूवी टाइप है, कि एनिमेशन में इतनी है, एक्शन में इतनी है। अच्छा मुझे सब ऑडियंस से समझना है, इस डैशबोर्ड को देख के किसी ने जिसने भी प्रैक्टिस की है, इस डैशबोर्ड को देख के जिसने भी प्रैक्टिस की है इससे मिलती जुलती, तो मुझे बताया कि वो कहाँ तक पहुंचा था। क्या आपके लगता है आप इसकी आवाज गलत चेक कर, मैं आपकी आवाज किसी बंदे ने, कोई बंदा यहाँ तक पहुंचा था जी? सर मैं नहीं, तो सर मैं तो इसको देख के बड़ा इयर्स ही नहीं सीधे हुए थे, बड़ा इंप्रेस हो गई टीम, आई मस्ट अप्रिशिएट, बहुत मेहनत की गई। उमर ने कहा जी, उमर कह रहे हैं यस सर। वाओ देखो ना, अब हम इनकी फाइल देखते हैं, एक्चुअली फाइल भी
फाइल भी इन्होंने भेजी है, फाइल फाइल लेक्चर फ्लो। अच्छा मैं इसको डाउनलोड करता, फिर ये हमें, मैं इसको डिस्प्ले करता हूँ, फिर ये बताएंगे कि इन्होंने स्टेप्स क्या किए। तो आप लोगों जिस जिसने प्रैक्टिस की है ना, वो इन स्टेप्स को जरूर देखें, क्योंकि हर चीज मुख्तलिफ तरीकों से हो सकती है। अब इन्होंने जो स्टेप्स किए हैं वो देखने की कोशिश करते हैं। मुनीरा अब आप, मैं वो खोल लेता हूँ पावर पूरी, आपने बताना है आपने किया क्या क्या। एक मिनट है, डेटा क्यूरी, पहले आपका टेबल वन खोल लेता हूँ। ले जी, आपको नजर आ रहा है सबको? जी आ रहा है। और गायब हो जा, मेरी चकड़ी ऊपर आई जा रही है, उससे छोटी हो। सर इसमें मैंने कोशिश की थी लेकिन इसमें काम नहीं हुआ था, तो नेक्स्ट शीट पे मैंने शायद काम किया है। इसपे बेसिक स्टेप्स मैंने लिए। जी जी सर, ये देखे जी, इन्होंने ये क्यूरी के अंदर ही इतने स्टेप्स बनाने की कोशिश की है। फाइल ये थी। अच्छा आप ये काम करो, बजाय इसके मैं यहाँ से बताओ, अब ये आपने ईयर रेंज जो बनाई है, मुझे यहाँ से बताओ यहाँ पे ईयर रेंज कैसे बनाई, वो समझाओ ताकि सब एक देख सके। बता सर, पहले मैंने शीट में से ईयर फिल्टर किया। जी जी, यहाँ से? जी सर, यहाँ से पहले मैंने फिल्टर किया ईयर को। ये कौन सा स्टेप है सर? ये तो मैं अभी तो जीरो पे खड़ा हूँ ना, यहाँ से आप, यहाँ से एरर्स मूव हुई है, यहाँ पे आपने रेंज इंसर्ट की है, यहाँ पे आपने फिल्टर किया है, फिर यहाँ पे आपने कॉलम को रीनेम किया, फिर आपने रेंज इंसर्ट की है, फिर फिल्टर किया। ये काम करते हैं क्योंकि ये टेक्निकल काफी है, तो आपको बताते हुए थोड़ा इश्यू होगा, मैं करता हूँ आपको ऐसा। ये सर मैं साथ साथ कर रही थी, मिक्सचर है। हाँ चले कोई बात नहीं, अब एक काम करते हैं, मैं इसको बंद करता हूँ, मूवीज डाटा खोलता हूँ और हम सारी चीज बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, उसकी कॉपी बना लेता हूँ, कॉपी पे काम करते हैं। ये हमारे पास मूवीज का टेबल, यार मेरी फोटो क्यों नहीं गायब हो रही? अपना कैमरा ऑफ करें सर। नहीं मैं चाह रहा हूँ ये शॉर्ट हो जाए, मतलब व्यू व्यू में देखें ये ना, कि आप लोग मैं ही ना नजर आ जाऊं। हो गया हो गया हो गया। अच्छा जी, सब लोगों के लिए एक चैलेंज बना हुआ था, ये ईयर वाला कॉलम ऐसे ही है जी, सॉरी ये वाला जो कॉलम था ये बहुत बड़ा चैलेंज था जी, कि इसको ठीक कैसे करें, क्योंकि इसके अंदर ये बहुत सारा कुछ गंद बना नजर आ रही है, ऐसी है। अब मैं आपके सामने एक छोटा सा काम करूंगा, तो आप लोगों ने मुझे बताना है कि आपको कैसा लगा। मैं स्केप का बटन दबाता हूँ, ये भाई साहब वहां पे आ जाते हैं, हालांकि मैं इसको देखता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे मैं एक कॉलम अगर ऐड करूं, एक कॉलम ही ऐड करूं, मैं इधर से लाके इसको हाइड करता हूँ जी, ताकि आप लोगों के सामने यहाँ पे करता हूँ, ताकि आप लोग समझ सके। अच्छा जी, ये मैं इसको क्या करने लगा हूँ, इसमें ऑप्शन यहाँ पे, तो चले मैं डेटा में जाके सॉर्ट कराता हूँ इसको, ईयर को ए टू जेड मैं से कहता हूँ, इसको सॉर्टिंग करा दो। एक मैंने पहला स्टेप किया जी, सॉर्टिंग कर दो। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2023, यहाँ
कंट्रोल जेड क्योंकि कॉलम में हिस्सा नहीं बनाना है। 2023 2023 2023 2022। अच्छा वो कहता है जी उसके साथ में काम करो, दूर ना जाओ मेरे से। 2023 2023 2022 और यहाँ पे मैं जाके काम करता हूँ जी, होम फिल, यहाँ पे लिखा फ्लैश फिल, फ्लैश फिल देख रहे हैं जी ये देखें कहाँ तक ठीक करता है इसको। अभी हम नीचे जाते हैं जनाब, स्पीड से जाता हूँ, पता लगे कहाँ तक सही किया। ऊपर आ, अच्छा जी ऊपर आ जाओ भैया, ऊपर आ जाओ। अभी भी यहाँ भी नहीं सही, यहाँ तक भी नहीं सही, यहाँ तक भी नहीं सही, यहाँ तक सही। अच्छा जी आप लोगों ने एक चीज नोट की है, रो नंबर 3766 तक उसने डाटा ठीक कर दिया है, बाकी उसे नहीं हुआ। किसी को कोई चीज समझ आई है मैं बताता हूँ मैंने किया क्या, लेकिन अभी हमें नीचे भी ये डाटा ठीक करना है, ऐसे ही है जी सर, ऐसे ही है। अब मैं यहाँ पे एक और चीज करने लगा हूँ। हसन आप इस, हसन आपको सब देख रहे हो? जी जी मैं देख रहा हूँ सर, 3766 तक तो हो गया, उसके नीचे 1965 से नहीं हो रहा सर। अब मैं क्या, जी जी सर एक दफा दोबारा कीजिएगा। मैं दोबारा करता हूँ, लेकिन मैं अभी एक पूरा स्टेप कंप्लीट करता हूँ ना, फिर दोबारा करता हूँ, ठीक है? मैं फिर दोबारा रिपीट करता हूँ। मैं लिख रहा हूँ 1965 जो लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ, और मैं एंटर दबाता हूँ। किसी को समझ आई क्या हुआ सर? वो जो ऊपर वाले थे ना वो माइनस में थे ना? नहीं, आप देखो, अब आप देखो नंबर सारे ठीक हो गए कि नहीं? पहले जी सर, सारे ठीक हो गए। जी सर हो गए ठीक। इसका तरीका है कि फिल्टर में जाके देखते हैं साल पूरे आ रहे, देखते हैं जी हम नीचे तक देखते हैं। उमर एंड टीम, यस सर, जी सर ठीक है, ये यहाँ तक सारे ठीक हो गए। ये जो बाकी थे ना, ये नीचे वाले, ये सारे ठीक नहीं हुए, और उसमें इसलिए ठीक नहीं, उसमें कोई ईयर है ही नहीं, तो इसलिए हमें वो चाहिए भी नहीं, क्योंकि जिसमें ईयर नहीं है हम उसको कुछ भी नहीं करते, क्योंकि वो डाटा बिल्कुल गलत है। अच्छा, वो जिसमें दो साल आ रहे हैं बीच में, हाँ एक सेल के अंदर जो दो दो साल इकट्ठे आ रहे हैं बीच में, वो आ रहे हैं, देखते हैं वो सही हुआ कि नहीं हुआ। दो दो, हाँ वो नहीं सही हुआ ना जी सर, मुझे लग रहा है कि वो शायद एक फिगर ले ली है। मैं देखना चाह रहा हूँ वो कौन से हैं जिसमें दो साल। ईयर वाले कॉलम को अगर हम डिसेंडिंग में कर लेंगे तो वो ऊपर आ जाएंगे जल्दी। नहीं वो जल्दी, हाँ ये आ गए, ये देखो ये सर ये आ रहा है ना, ये गलत है ना हमारा, हमें तो दो चाहिए इसमें है ना। जी सर मैं इसको लिखता हूँ 2013-2014। हम शुरू से करते हैं जहां पे ये शुरू पे कहीं डबल आ रहा होगा, उसको पैटर्न शुरू से देना होता है। ऊपर से आता हूँ नीचे, आहिस्ता 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 आहिस्ता, यहाँ पे वो मुझे दिखा दे कि यहाँ से डबल शुरू हो रहा है, ये डबल शुरू हो रहा है जी, यहाँ से शुरू हो रहा है। यहाँ तक तो 1965 आ गया है, लेकिन यहाँ पे फर्क है ना, 1966-1969 एंटर। वाओ मैं तो बात बनी,
जी सर जबरदस्त। अब हम देखते हैं फिल्टर में, इसमें था ना हमारे पास, हाँ ये तीन केसेस ही हैं और ये रिजॉल्व हो गए, एक सिंगल वाला हो गया, एक डबल वाला हो गया, ये डबल वाले सारे आ गए और एक वो वाला, अब कोई गड़बड़ है तो नीचे रोमन फॉन्ट्स में है, हाँ देखते हैं कोई ऐसी गड़बड़ है। इसको देखने का एक तरीका बताता हूँ मैं, इसको सिलेक्ट करता हूँ कॉलम को, सिंपल इंसर्ट पिवट टेबल, और जो हमने अभी कॉलम बनाया उसका नाम कोई नहीं रखा, इसको इधर नंबर दिखा लेते हैं, सॉर्ट फ्रॉम, देखते हैं जी कोई ऐसी। अब ये हमारे पास लेफ्ट साइड में ना यूनिक ईयर्स वो डेटा सेट आ गया जो वहां पे था, मेरा तो ख्याल अब ठीक हो गया, नहीं कुछ में गड़बड़ लग रही है, फिर देखते हैं। अच्छा भाई नहीं, इसमें ठीक है यार, ये भी ठीक, ये देखो ये एक रह गया ना, ये देखो नजर आ रहा है, इसमें 22206 एंटर करता हूं, इसमें भी 2 नहीं, ये यहां पे एंटर नहीं करना, इसको ऊपर किसी पैटर्न में देखते हैं, ऊपर आ रहा है कहीं, यहीं से शुरू होता है, यहाँ पे ऊपर है अभी और भी ऊपर है अभी। अच्छा अब इशू क्या आ रहा है, जो खाली है ना उनको देखते हैं, ये देखे जी ये खाली 1029 है, 1985, और यहाँ पे रख के मैं करता हूँ जी फिल फ्लैश फिल। वाह जी समझ आई किसी को, कोई ना ये भी ठीक हो गया, ये भी ठीक हो गया, ये भी ठीक हो गया, ये भी ठीक हो गया। सो मैं पिवट टेबल को रिफ्रेश करता हूँ, हेलो जी हमारे पास मैक्सिमम जो इयर्स देना वो हो गए हैं जितना, ठीक बिल्कुल ठीक हो गए मैक्सिमम। हेलो हेलो सर, आपकी आवाज आनी बंद हो गई है। हेलो आई गेस उनका नेट का कोई इशू हुआ है। डिस्कनेक्ट हो, मेरा ख्याल डिस्कनेक्ट हो गए हैं सर जी, इंटरनेट का इशू आ रहा है।
सॉरी गाइस, मैं पता नहीं क्या हुआ, मैंने डबल क्लिक किया तो बंद हो गया। मेरी स्क्रीन नजर आ रही है जी? जी आ रही है सर। अच्छा, मुझे अभी अभी खबर आई है कि मिस मुनीरा जो है उनकी आज बर्थडे है। तो मुनीरा, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, हैप्पी बर्थडे टू यू। आपने अपनी बर्थडे वाला दिन कितनी मेहनत की है जी। थैंक यू सो मच सर। वैसे बर्थडे कल है सर, आज नहीं है। कोई दो घंटे रह गए ना आपके। तो अभी किसी ने किसी मैंने कहा दो घंटे रह गए ना, तो मैं आपको एडवांस विश कर दिया। जी जी, थैंक यू सो मच सर, सबसे पहले आप ही ने विश किया। किसी और ने करना है इस प्लेटफॉर्म पे, किसी और ने करना है कर सकते सर। सब मिलके विश करते हैं ना, सारे मिलके विश कर देते हैं मुनीरा को हैप्पी बर्थडे। आप शुरू करें, पीछे हम आपको फॉलो करते हैं। पहले मैं इधर पहले स्क्रीन बंद करके ना बंदे देख लू ना, फिर इधर मुझे नजर आए ना, फिर मिस साइमा को कहते हैं वो विश करे। अरे हम तीनों भी नजर आ गए आपको। हाँ जी, चलो ठीक है जी। मिस साइमा आप करें जी विश, हम फिर आपके साथ हिस्सा लेते। मिस साइमा है ही नहीं है, है। Happy birthday to you. Happy birthday to you. मुनीरा उड़ना नहीं है, अच्छा नेट भी डाउन। थैंक यू, थैंक यू मदर सर, थैंक यू सो मच। वाह 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 वाह, नहीं माशाल्लाह, उसने मेहनत इतनी की हुई थी तो विश तो बनती थी। ले जी, अब मैं वापस आ जाता हूँ बर्थडे विश से बाहर। और अच्छा जी, अच्छा आप लोग ना मेरी बात जरा तवज्जो से, बहुत गौर से समझिएगा, क्योंकि ये जो मैं बात बताने लगा ना, ये डेटा साइंस में हर लैंग्वेज में यूज होती है और इसकी बेस पे हर चीज देखी जाती है। डेटा साइंस में या डेटे के अंदर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या मशीन लर्निंग है ना, वो मशीन लर्निंग, नरवीन आपको आवाज आ रही है? आपने गौर से सुनना है जो मैं कह रहा हूँ। यस सर, आवाज आ रही है। ठीक है, डेटा साइंस में जो भी, जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल यूज करते हैं, मशीन लर्निंग यूज करते हैं, वो किस चीज की बेस पे होती है? उसमें हम ना कहते हैं डेटा के पैटर्न्स होते हैं। डेटा के पैटर्न से क्या मुराद है कि आप जब कोई भी चीज लिखते हैं ना, उसका एक पैटर्न बन जाता है। जिस तरह मैथ्स में होता है कि आप एक से लेकर, मैं लिखता हूँ 1, 2, 3, 4, बल्कि नीचे को लिखता हूँ 1, 2, 3, ये मैंने 1, 2, 3 लिखा है ना, तो मैं क्या करता हूँ, इसमें होम पे जाके यहाँ पे फ्लैश फिल बटन दबाता हूँ। गौर से देखिएगा, अच्छा उसके लेफ्ट साइड पे कोई डाटा सेट हो ना, तो उसको फिर खुद ही समझ आ जाती है करना क्या। तो एक्चुअली फ्लैश फिल करता क्या है कि आपके इस डेटे को देखता है, उस डेटे का हम एक सैंपल पैटर्न उसको देते हैं, वो समझ जाता है कि इस तरह की वैल्यूज आप उसमें से उठाना चाह रहे हैं, वो फौरन उस पैटर्न को समझ के उसके ऊपर बैकएंड पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगाता है। मतलब वो आपकी रिक्वायरमेंट समझ जाता है, उस रिक्वायरमेंट को समझता है। अब देखिएगा, मैं स्टेप रिपीट करूंगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2023, फिर मैं लिखता हूँ 2023, और वो क्या समझ रहा है, वो कह रहा है जी इस पे माइनस लगा हुआ है, आपने यहाँ पे माइनस नहीं लगाया, फिर माइनस लगा हुआ है, फिर आपने माइनस नहीं लगाया, फिर आप 2022 लिखते हैं, तीन नंबर्स आपने लिखे ना, उसको एक चीज समझ लगी कि आप ये नेगेटिव जो बीच में एक चीज स्किप करना चाहते हैं ना, वो आपको नहीं चाहिए। अब मैं करता हूँ फ्लैश फिल, ये फंक्शन करता क्या है,
जो आप चाहते हैं वो उसको, ये नीचे लिखा है, ऑटोमेटिव फिल इन द वैल्यूज, एंटर अ कपल ऑफ एग्जाम्पल सो यू वांट एज आउटपुट एंड कीप द एक्टिव सेल इन द कॉलम यू वांट टू बी फिल्ड इन. मैं इस पे फ्लैश फिल करता हूं, यहां पे रख फ्लैश फिल. अब आप देखें उसने वो सारी चीज फिल कर दी. अब मैं इसको रिपीट करता हूं, कंट्रोल जेड करता हूं, खत्म कर देता हूं. मैं लिखता हूं 2 3, फिर लिखता हूं 2 3, फिर लिखता हूं 2 2. अब मैं करता हूं फ्लैश फिल. अब देखिएगा वो क्या करेगा. उसने आखिरी 2 डिजिट उठा लिए. समझ आई किसी को? यस सर, आ गई है समझ. ठीक है, फ्लैश फिल करता क्या है कि आप जो भी उसको एक पैटर्न देते हैं ना, वो कहते हैं आप यही चाह रहे, वो वाली चीज उठा के आपको देना शुरू करता है. एक और काम कर लेते हैं, कंट्रोल जेड 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 जेड. मैं ऐसे कहता हूँ -20 -20 -20. अब यहाँ पे रख के इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल ई. मैं वीडियो में इसलिए यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ ताकि आपको पता रहे. इसकी जगह पे आप ये शॉर्टकट भी देखे नजर आ रहा है फ्लैश फिल का, कंट्रोल ई. कंट्रोल ई प्रेस करेंगे ना ये ऑटोमेटिकली कर देता है. मैं इस पे फ्लैश फिल दबाता हूँ, देखिएगा उसने -20 उठा लिया. ऐसे ही है जी? यस सर. जी सर, ऐसे ही है. मैं उमर एंड टीम हसन जिन्होंने मेहनत की थी, मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ कि जवाब आए. जी हसन. जी सर, क्लियर हो रहा है. ठीक है, अब एक और चीज. ठीक है, अभी एक और काम करते. मैं लिखता हूँ -2 0, स्किप कर देता हूँ 2 3, फिर लिखता हूँ -2 2 3, फिर लिखता हूँ -2 2 2. अब मैं फ्लैश फिल करता हूँ. अब आप लोगों को समझ आ गई होगी कि एक दो चीजें उसको बताए ना तो वो उसको नीचे खुद ही समझ आता है मैं करना क्या चाहता हूँ. तो ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फंक्शन है जो आपकी एक्सेल में दिया गया है, जो कि आगे आप जब मशीन लर्निंग कहते हैं ना, मशीन आप जो भी काम करते हैं ना, आपके डेटे के पैटर्न को समझ के ना बाकी चीजें खुद ही बना देती है. ये इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज किया. अब मैं करता हूँ दोबारा से अपने डेटे को. मैं करता हूँ जी मुझे 2 0 2 3 कर दो, 2 0 2 3 कर दो, 2 0 2 2 कर दो और फ्लैश फिल कर दो. अब जब मैंने एक दफा फ्लैश फिल किया है तो आप करें नोट करें, मैं नीचे आता जा रहा हूँ. जहां तक पैटर्न सेम रहेगा ना वो उसको ऐसे ही चलाता रहेगा, जहां पे पैटर्न बदल जाएगा उसको समझ नहीं आएगी कि आप क्या करूँ. तो जो समझ आएगा वो उसको कर देगा. मैं आ रहा हूँ नीचे तक, लेकिन मैं एक आप लोगों को चीज बता दूं जो एक स्टेप आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं बंद करके आता. अगर आपने वो स्टेप ना किया तो आप इसको कर नहीं सकते. सबसे पहले आपने इस कॉलम में जाके ना इसकी सॉर्टिंग करानी है जो मैंने कराई थी. अगर आप डेटे की सॉर्टिंग नहीं कराएंगे ना तो होगा क्या, ये एक नंबर. अब आप देखें मेरा ओरिजिनल डेटा था, मुझे ओरिजिनल मैंने टेबल में कन्वर्ट कर दिया, क्या स्लैक में पड़ा हो, स्लैक में भेजी थी ना ये फाइल. मूवीज डाटा इसको मैं खोलता हूँ, ये ओरिजिनल फाइल है जो मैंने आप लोगों से शेयर की. ये थी ना जी. मैं इस पर फिल्टर लगाता हूँ. अब आप देखें इस कॉलम को देखें जो बी कॉलम है और इस कॉलम को देखें, फर्क है कोई? जी सर, फर्क इसलिए है कि आपको इसको पहले सॉर्ट कराना पड़ेगा, अदरवाइज उसको पैटर्न समझ कोई नहीं आ रहा. तो आपने उसको जो भी कोडिंग करनी है ना, कोडिंग से मुराद है उसको मैसेज देना है. उस मैसेज को समझने के लिए जरूरी है कि उसको एक पैटर्न में कोई चीज दिखाए. मैंने सबसे पहला काम क्या किया है, यहाँ पे जाके डेटा सॉर्ट A टू Z
सॉर्ट बाय कॉलम ईयर ईयर। अब मैं ओके करता हूं। अब ये वही शक्ल आ गई है देखें 2033 वाली जो मैंने यहां पे बनाई हुई। अगर मैं कंट्रोल जेड करूं यहां पे कॉलम ऐड करूं और यहां पे लिखूं 2021 2010-2022 मैं इसको कहता हूं फ्लैश फिल करो। उसको समझ नहीं आई कि मैं क्या करूं। उसने कोशिश जरूर की है देखे जहां तक कर सकता है वो कर दी, यहां पे आगे फंस गया। उसको समझ नहीं आई कि यहां मैंने क्या करना था। यहां पे उसने 2017 निकाल दिया, 21 रह गया। तो पैटर्न को पहले एक सिमेट्री में लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्टेप समझ आ गया सबको? ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है आपकी लाइफ के लिए, क्योंकि आपको बहुत दफा ऐसे डेटा सेट्स मिलेंगे जिनको आपको ठीक करना पड़ेगा। ठीक करने का कोई तरीका नहीं मिलेगा तो आपको इसको यूज करना पड़ता है। मैं इसको बंद करता हूँ। अब हम आ जाते हैं इसी पर दोबारा। मैं आप लोगों के लिए मैं हाइड कर देता हूँ। 2023 2022 यहाँ पे मैं कंट्रोल ई करता हूँ। अब हम जाते हैं जहां तक उसने इसको फिल कर दिया ठीक से, एक पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसको नया पैटर्न मिलेगा। अब उसको हमने दोबारा बताना है कि यार इससे पैटर्न नया शुरू हो गया। मैं पहुंचता हूं यहाँ पे। अब देखें यहां तक उसको 9 माइनस वाले नंबर मिले, उसने फिल कर दिया और आगे उसको पता ही नहीं चला मैंने क्या कर। अब मैं यहां से उसको दोबारा से एक पैटर्न देने लगा हूं 1965 एंटर। उसने क्या किया, इसी पैटर्न को हर जगह अप्लाई कर दिया जबकि मुझे यहाँ पे ये नहीं चाहिए। मैं यहाँ पे दोबारा एक पैटर्न देता हूँ 1966-1969 एंटर। अब उसको फिर समझ आ गई है कि इसको ऐसे उठाना है, ऐसी चीज को ऐसे उठाना। आज मुझे कोई जी जी हाँ हाँ अभी एक बीच में मिसिंग आ गया। ये देखो उसको ये पैटर्न नहीं मिला। मैं इसको दोबारा लिखता हूँ, इसको कर दो 1995। अब जितने इस तरह के होंगे वो सारे टी कर देगा 1995 1995। अब ये भी ये पैटर्न एक था, एक ये पैटर्न था, ये पैटर्न भी हो गया जी। अब देखते हैं कोई और पैटर्न है हमारा तो मिसिंग है। कोई पैटर्न मैं ऊपर से देखता हूँ कोई ब्लैंक आते ब्लैंक नहीं जी। ये सारी वो वैल्यूज है जिसमें कुछ भी नहीं। हाँ जी मुझे सब लोगों का सिर्फ ये सुनना है कि सबको ये स्टेप आ गया है और सारे लोग आप ये स्टेप्स अप्लाई कर सकते हैं। मुझे बारी बारी सबसे हाँ हाँ की आवाज सही। यस सर। जी सर आ गया है, सर आ गया है अभी तो आ गया सर। आ गया समझ ठीक हो गया जी। मैं आगे चलूं फिर? यस सर। जी सर 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 ये वाला जो हम लोग फ्लैश फिल जो है ये सिर्फ हम नंबरिंग के लिए कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं या नहीं, हम किसी और अगर टेक्स्ट वगैरह के लिए भी यूज कर सकते हैं? ये मैं अभी आपके सामने करने लगा हूं अनहाइड। ठीक है वो मेरा कॉलम एक बन गया। अब मैं क्या करता हूं यहां तक सारा हाइड कर देता हूं। ईयर का मैंने बना दिया। अब ये है एनिमेशन एक्शन एडवेंचर। हम अब वो जो आप अभी पूछ रही है ना, अब हम इस पे लगा के देखने की कोशिश करते हैं वो क्या करता है। मुझे खुद नहीं पता वो करेगा कि नहीं करेगा, हम ट्राई करते हैं। मैं लिखता हूँ ANIMATION एनिमेशन।
अच्छा इसको मैं बड़ा देखता हूँ, एनिमेशन यहाँ पे फिर लिखता हूँ ए एन आई एनिमेशन और यहाँ पे लिख देता हूँ सी ओ एन ई बी वाई कॉमेडी, ठीक है। अब मैं करता हूँ फ्लैश फिल्म, अब बताए उसने क्या किया है? सर उसने ना इसमें फर्स्ट फर्स्ट वाला जो उन्होंने वो है ना फर्स्ट हमारे पास जो जैसे नाम है पहले नाम को जी सर पहले पहले जो नाम है ना वही उसने फिल किया हुआ क्योंकि हमने उसमें लिखे हुए जो ठीक हो। इसका मतलब ये हुआ कि आपके कॉलम का एक स्प्रिट आपने बड़ी आसानी से बना लिया, ऐसे ही जी सर यू मैर एंड टीम समझ आई? यस सर जी सर ठीक हो गया। और नरमीन आपको समझ आई? यस सर। मुनीरा आपको समझ आई? जी सर। जुल्फकार साहब आपको भी कुछ आइडिया हुआ सर कि फ्लैश फिल एक्चुअली क्या है? जुल्फकार साहब है हमारे साथ के नहीं? हेलो जी 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 सर जी जी सर मुझे कुछ समझ जी जी सर मुझे कुछ समझ आई है। अच्छा ठीक हो गया। अब मैं अगला कॉलम बनाता हूँ सर, इस पे मैं लिखता हूँ ए सी टी आई यू एन एक्शन, फिर लिखता हूँ ए सी टी आई यू एन एक्शन, फिर लिखता हूँ सी आर आई एम ई क्राइम। अब कंट्रोल ई करता हूँ, आप देख रहे हैं सर उसने एक्शन हमारा अलहदा कर दिए, थ्रिलर अलहदा कर दिए। इसका मतलब है उसने पैटर्न समझ लिया है कि इसके बीच में कॉमे डले हुए, कॉमिक पहले मैंने एक लिया है, एक दूसरा एक्शन ले लिया है और तीसरा मैं एक और काम करता हूँ। मैं फिर लिखता हूँ ए डी वी एन टी यू आर एडवेंचर, फिर लिखता हूँ जी एडवेंचर ए डी एडवेंचर, और फिर लिखता हूँ ड्रामा। अब आप देखिए मैंने अभी डी लिखा है, नीचे आपको कुछ नजर आ रहा है? ये आ रहा है। वो क्या कर रहा है कि वो खुद ही कह रहा है मैं ये करने लगा हूँ, आप जो चाह रहे हैं मैं ऐसे ही करने लगा हूँ। मैं एंटर कर देता हूँ, देखिए जी उसने क्या किया, एक्शन के बाद एक्शन है, थ्रिलर थ्रिलर, लेकिन अब इशू आ गया एक। अब ये इशू आ दिखाने के लिए एक मैंने बात की, देखिए यहाँ पे कॉमेडी सिंगल था, यहाँ पे भी कॉमेडी आ गया, यहाँ पे सेकंड में ब्लैंक था, लेकिन तीसरे में उसने फिर कॉमेडी उठा लिया। अब यहाँ पे तीन है तो उसने एडवांस्ड एडवेंचर कॉमेडी फैमिली उठा लिया, यहाँ पे ड्रामे को ड्रामा। इसका मतलब है इस टेक्स्ट को हमें करने के लिए अगर हम कहें कि ये तीन चीजें बन गई हैं तो ये गलत होगी, क्योंकि यहाँ पे ड्रामा दो दफा आएगा जबकि ड्रामा एक दफा। तो पैटर्न हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं लेकिन जो हमें चाहिए एक्चुअली ये वो चीज नहीं है, तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। इस पे एक और चीज अप्लाई करके दिखाता हूँ, आप डाटा में जाए ना तो इस पे एक कॉलम है टेक्स्ट टू कॉलम, इस पे क्लिक करता हूँ ये आपको एक विंडो खोल देगा, वो पूछता है जी इस कॉलम को जो आपने सिलेक्ट किया है इसके ऊपर मैं क्या करूँ, चूज द फाइल टाइप दैट डिस्क्राइब्स योर डाटा। कहता जी कि मैं इसमें कोई चीज आपने लगाई हुई है मैं उससे इसको अलग अलग कर दूं, या फिर आप खुद से चाहते हैं कि इसको तोड़ दो, आप इसको ब्रेकअप करना चाह रहे। मैं कहता हूँ जी डेलिमिटेड पे जाओ, डेलिमिटेड में वो क्या कहता है, आपने बीच में टैब डाली हुई है, सेमी कॉलन डाली हुई है, कॉमा डाला हुआ है, स्पेस है या कोई और चीज है? आप देखिए हमारे इसके बीच में कॉमा आ रहा है, मैं इसे कहूंगा जी कॉमा, और मैं इसे कहूंगा कि इस कॉमे से ना अलहदा कर दो एग्जांपल, नेक्स्ट फिनिश, अंदर कॉलम डाल दी उसे अनहाइड, कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड, इसको मैं बाहर ले आता हूं ताकि आपको नजर आ जाए। Next to column, delimited, next, comma, tab नहीं है, सिर्फ comma, next, finish.
क्या करता है भैया? कॉमा ही है next to column delimited next space भी कर देता है तो कॉलम सिलेक्ट ही हो रहा जेंडर के अंदर तो चीज ही कोई नहीं दिखा रहा next finish इसमें कोई और चीज गड़बड़ कर रही होगी ओए होए ये ऊपर स्पेस आ रही है सबके ऊपर चले आपकी किस्मत एक नया फंक्शन सीखते हैं इसलिए नहीं कर रहा ये देखें इस पे जब मैं डबल क्लिक करता हूँ ना ऊपर स्पेस आ रही है जी जब सर आ रही है वो जो अब वो स्पेस की वजह से ना उसको कुछ नहीं कर पा रहा वो कहता जी स्पेस है मैं इसका करूं क्या ये स्पेस है मैं इस पे क्लिक करता हूँ इसमें भी स्पेस है ओए ओए ये तो नवी नवा कटा खुल गया ये सारी स्पेस आ रही है अब मेरे लिए पहला चैलेंज क्या है जी ये स्पेस खत्म करूं पहले मैं पे यहाँ पे एक फंक्शन लगाता हूँ इज इक्वल टू टी आर आई एम ट्रेन और मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ फिर मैं देखता हूँ कि इसने खत्म किया है कि नहीं कंट्रोल सी वैल्यू अब इसको डबल क्लिक करता हूँ हाँ देखिए जी इसने वो खत्म नहीं की स्पेस वैसी की वैसी आ रही यार मेरा मैसेज अच्छा जी अब मेरे लिए ना बहुत बड़ा ये चैलेंज ये है जी वो इश्यूज जो आपके डेटा पे काम करते हुए आते हैं अब हर एक में स्पेस आ रही है और मुझे स्पेस खत्म करनी है इस फंक्शन से खत्म नहीं हुई मैं लगाता हूँ इज इक्वल टू क्लीन क्लीन पे लगा के मैं कहता हूँ इसको लगा लो फिर मैं कंट्रोल सी वैल्यू करके देखता हूँ खत्म होगी वाह नजर आ रही है जी वो स्पेस खत्म होगी यहाँ पे आ रही थी यस सर खत्म हो गई है इसका मतलब है कि जो ऐसी स्पेस आती है ना जो ब्लैंक स्पेस एंटर हुई हुई है आपके डेटे में जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है उसके लिए आपको ट्रिम नहीं इनके पास एक क्लीन का फंक्शन है क्लीन ये कहता है जी रिमूव्स ऑल नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स फ्रॉम द टेक्स्ट तो मैं ये टेक्स्ट देता हूँ जेनर को कॉपी करता हूँ या पेस्ट कर देता हूँ अब इसको मैं देखता हूँ कि ये कंट्रोल सी पे स्पेशल वैल्यूज ये मेरी आपको देख रहा होगा अगर मैं थ्रिलर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ स्पेस है अब यहाँ पे सॉरी फिर नहीं है स्पेस देख सकते हैं जी आपको इसको समझ जी सर जी, जी, वो बॉटम है नहीं है स्पेस किसी को ठीक है जी अब मैं इस कॉलम को डिलीट कर देता हूँ मेरा नया कॉलम बन गया है जिसके अंदर मैंने सारी स्पेसेस खत्म कर दी आर यू पीपल विद मी लेकर इशू इशू ये है कि नीचे वाला सारा रह गया है तो मैं इज इक्वल टू क्लीन इसको क्लीन कर दे हाँ इसको क्लीन कर दे इसको क्लीन कर दे और ये मुझे चाहिए एंड तक वहां तक चाहिए ये मुझे जहां पे ये डाटा खत्म होता है वहां तक चाहिए ये मैं फार्मूला लगा दिया जी और मैं इसको कॉपी करता हूँ और इस पे वैल्यूज पेस्ट करता हूँ तो मेरे पास एक साफ सुथरा डाटा आ गया जिस पे आप मैं कोई फंक्शन अप्लाई कर सकते अब मैं वो काम करता हूँ जो मैं आपको बताने लगा था आप जाएंगे डाटा टेक्स्ट टू कॉलम अब यहाँ पे डेलिमिटेड अब आप देखें ये मैंने यहाँ पे उसको कॉमा स्पेस खोला है तो खत्म करता हूँ ये ओरिजिनल डाटा उसको नजर आ रहा है कैन यू सी स्क्रीन पर नजर आ रहा है सबको यस सर जी सर आ रहा है नजर अब आप देखें कि एनिमेशन वो कहता है ये आपका डाटा है मैं इस पे स्टेप्स कौन से अप्लाई करूंगा मैं कहता हूँ जो कॉमा है ना कॉमा
उसको ये अलग अलग कर दो, या स्पेस है उसको भी खत्म कर दो। अब ये मुझे दिखा रहा है कि मैं इस कॉलम के तीन हिस्से कर दूं, मैं कहता हूं कर दो फिनिश। अब आपको नजर आ रहा है जी ये तीन हिस्सों में कॉलम कन्वर्ट हो गया। जी सर जी। अब हमें एक इशू आया था, आप लोगों ने देखा होगा जब आप फ्लैश भी लगाते थे, ये ड्रामा जो था ना यहाँ पे भी ड्रामा आ रहा था ऐसे ही। जी सर जी सर ऐसे ही। तो अब हमारे पास ये तीन कॉलम बन गए हैं अलग अलग, जिसमें हमारे पास जेनर आना शुरू हो गई है कि ये जो डाटा है इसमें इस तरह की चीजें हो सकती है। अब इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें आप और भी कर सकते हैं, वो कैसे करनी है वो हम नेक्स्ट देखते हैं। लेकिन अभी आप लोगों को फ्लैश फिल, टेक्स्ट टू कॉलम और ट्रिम फंक्शन समझ आ गया? यस सर। जी सर आ गया है। अब दो तीन लोग ही जवाब देते हैं। जी सर आ गया। ये मेरा अप्लाई नहीं हुआ ये वाला। कौन सा वाला? यही टेक्स्ट टू कॉलम वाला। आपने उससे पहले क्लीन का फंक्शन लगाया? क्लीन का फंक्शन लगाया है जब मैं वो क्लीन वाले डेटा को सिलेक्ट करता हूँ तो, और ये टेक्स्ट टू कॉलम करके, तो जब ये आगे जो जनरल के नीचे प्रीव्यू आता है ना डेटा का, उसके अंदर फंक्शन दे रहा है। नहीं हाँ, उससे पहले आप उस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करो जिस पे आपने ट्रिम क्लीन लगाया। कर लिया सिलेक्ट, उसको कॉपी करके पेस्ट एज वैल्यू करो। अच्छा, आप एक सेट मिस कर रहे हो। ठीक है ठीक है, हो गया। वैल्यू में पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब आपका टेक्स्ट कॉलम लग गया। अच्छा जी, ये आपने हो गया ना जी? ठीक है, मैंने अब आपको फ्लैश फिल सिखाया है, टेक्स्ट टू कॉलम सिखाया और ट्रिम सिखाया। तो मेरी बात एक गलत गौर से सुनिए, आपको नॉर्मल प्रोफेशनल लाइफ में जो सबसे ज्यादा चैलेंजेस आते हैं डाटे को ठीक करने में, वो टेक्स्ट की टाइप पे होते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आप लोग एक सर्वे कराते हैं लोगों से और उसके बाद उनको कहते हैं कि अपना फीडबैक दे दें, तो लोग अपने फीडबैक में टेक्स्ट लिख के देते हैं। अब आपके पास 1000 बंदे का जवाब आ गया, अब आपने उस टेक्स्ट पे क्या करना है? जमा, तफरीक, ज़रब, तकसीम तो आप नहीं कर रहे ना, आपने उसके ऊपर कोई फंक्शन, कोई एक्शन परफॉर्म करना है जिससे आप कोई रिजल्ट निकाल सके। तो आपको वहां पे फ्लैश फिल काम देगा, टेक्स्ट टू कॉलम काम देगा, ट्रिम का फंक्शन काम देगा। बहुत सारी जगहों पे आपको होता क्या, लोग स्पेसेस डाल देते हैं, कोई ना कोई गड़बड़ कर देते हैं, तो आपको जो डेटा माइनिंग, डेटा क्लीनिंग टेक्स्ट की होती ना, वो बहुत ही मुश्किल काम है। मैंने उसके आपको तीन स्टेप्स बताए हैं कि आपने कैसे करना। तो मैं आप अगले फंक्शन पे चलो जी, डेटा क्लीनिंग के। यस सर। जी सर जी सर। ये मैं आप डिलीट कर रहा हूँ जी। अब मैं आपके डेटा सेट को दोबारा से खोल देता हूँ। फिर मैंने आप लोगों को एक बात बोली थी कि मुझे ना कैटेगरीज बना के दो, जो मुनीरा ने क्या किया था, आपको वो जो रेंजेस बना के दी थी ना, वो रेंजेस जो थी ना, हम उन रेंजेस को देखते हैं अब हम वो कैसे कर सकते हैं। तो फिर वही हरकत करता है, छोटा ही रह दू। अच्छा जी, अगर मैं डबल क्लिक, अब आप हमारे पास ना मुख्तलिफ कॉलम है। पहले मैं ले लेता हूँ रेटिंग, बाकी सारे मैं कॉलम हाइड कर देता हूँ। राइट क्लिक करके हाइड कॉलम। अब ये रेटिंग वाला कॉलम नजर आ रहा है सबको? अब इसको हम ना सॉर्ट कर लेते हैं ताकि हम इस पे कोई फंक्शन परफॉर्म कर सके। अब आप लोगों ने ना स्टेप्स नोट करने हैं, वैसे वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, आप एक भी स्टेप मिस करेंगे काम नहीं होगा। जिस तरह अभी हसन ने एक स्टेप मिस किया था तो फंस गया कि
वो तो क्लीन ही नहीं कर, वो कर ही नहीं ना टेक्स्ट टू कॉलम, तो सारे स्टेप्स परफॉर्म करने जरूरी है, अदरवाइज आप वो डाटा को ठीक नहीं कर सकते। मैं क्या करने लगा हूँ, पहला स्टेप वही करूंगा कि मेरा डाटा पहले सॉर्टेड शक्ल में आ गए। मैं इसको करूंगा डाटा सॉर्ट ए टू जी बाय कॉलम, इसका नाम क्या है, रेटिंग। रेटिंग कॉलम से कहता हूँ स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर दो। तो हुआ क्या, देखें गौर से, खाली वाले सारे नीचे चले गए और बाकी ऊपर से नीचे आ गए। और क्या हुआ है, सबसे छोटा नंबर ऊपर आ गया और ये फिर आगे सारे नंबर्स आ गए। ठीक है जी, जी सर। अब मैं एक ना काम करने लगा हूं, तो जरा होशो हवास कायम रखिएगा ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। मैं आज आप लोगों को इफ का फंक्शन सिखाने लगा हूं। आपकी जितनी भी डेटा साइंस में चीजें होती है ना, उफ्स में इफ का फंक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है और ये हर जगह जरूरी है। जो इफ एंड एल्स होता है ना, नेस्टेड इफ लगाना होता है, ये आपके काम आता है बहुत सारी कंडीशंस को यूज करने के लिए। अब मैं कंडीशन बनाने लगा हूँ, खुद ही से देख लेता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं एग्जांपल देता हूँ, मुझे कंडीशन बनाने क्या चाहिए। ये मैं पूरा कॉलम कॉपी करता हूँ, आपने स्टेप्स नोट करने, मैं एक जगह पे पेस्ट कर लेता हूँ, ये मैंने पेस्ट कर लिया। मैं इसमें जाता हूँ राइट क्लिक करके, इसमें डुप्लीकेट डिलीट नहीं होते, होम में जाता हूँ डिलीट, इधर डुप्लीकेट ऐसे कैसे डिलीट होते, मैं करता हूँ Alt A M L। डाटा के अंदर है, वही ढूंढ रहा हूँ किधर है, M M M ये M। ठीक है, ठीक है, मैं डाटा के अंदर आया, यहाँ पे था ना, मैं डाटा में आया हूँ, मैंने कॉलम सेलेक्ट किया, जाके अंदर जी रिमूव डुप्लीकेट्स लिखा हुआ, मैं डुप्लीकेट्स रिमूव करता हूँ, वो कहता किस कॉलम से, ये एक ही कॉलम सेलेक्ट किया। मैं ऐसे कहता हूँ मेरे डाटे में हेडर मौजूद है तो रेटिंग को निकाल दो, बाकी सब मैं डुप्लीकेट्स रिमूव कर दो। इसकी एग्जांपल देखें, ये टोटल नंबर है 8180। अब मैं रिमूव डुप्लीकेट करता हूँ तो मेरे पास नंबर कितना रह जाएगा, टोटल कितना रह गया जी, 83 नंबर। ठीक है जी सर। अब आपको मैं दो तीन तरीके सिखाने लगा कि ये कंडीशंस क्या हो सकती है। मैं क्या करने लगा हूँ, ये 1 से लेके टोटल 9.9 तक जाता है। ये बहुत सादा सा काम क्या है, मैं उसको कहता हूँ कि इसको लिख दे, मैं मतलब 9 है ना, मैं तीन कैटेगरी चार तीन बना लेता, चलो मैं इसको कहता हूँ, इसको लिख दे लेस देन 3, लेस देन इक्वल टू 3, लेस देन इक्वल टू 3 लिख दो। सिंपल, मैं कुछ नहीं किया, मैं लिखवा रहा हूँ एफ टू लेस देन इक्वल टू 3। इसको कॉपी करता हूँ, यहां तक पेस्ट करना, यहां तक सारी वैल्यूज ऐसे ही है जी, ये 3 से नीचे ही है और 3 से बराबर तक है। ठीक है जी सर। अब मैं अगली कंडीशन लगाता हूँ कि लेस देन इक्वल टू 6 कर दो। इसको कॉपी करता हूँ, लेस देन इक्वल टू 6 यहां तक आ गया, दो कंडीशन हो गई। अब तीसरी कंडीशन क्या है, मैं एक ही बना देता हूँ, मैं कहता हूँ जी ग्रेटर देन, इधर गया, ग्रेटर देन इक्वल टू, नहीं ग्रेटर देन 6 आ गया, 6 से जितना भी बड़ा है ना वो दिखा दो, कंट्रोल सी और ये मैं सारा ला के यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये आपके पास तीन कंडीशंस आपने बना ली, जितना स्टेप मैंने किया है, किसी को समझ आ गया, लादा वास्ता है, जवाब दे दिया करो ना कि मुझे कंफर्म हो जाए। नो सर, समझ नहीं आई सर, समझ नहीं आई। अच्छा, बाकी लोगों को आई, किसी को? हाँ जी सर, आ गई।
मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कहा ये जो यहाँ से लेकर मैं आपको दिखाता हूँ, नरमीन आपको समझ आई? यस समझ आ गई समझ। ये देखें, ये मैथ्स का फार्मूला सिंपल बनाया कि एक से लेके तीन तक के नंबर को मैंने कह दिया तीन से बराबर है या तीन से छोटे हैं, ये मैंने एक कैटेगरी बनाई है। फिर मैंने दूसरी कैटेगरी बनाई है यहाँ तक, इसको मैं दूसरा कलर दे दू, दो कैटेगरी होगी। तीसरी कैटेगरी मैंने बनाई है बाकी सारी जो है ना छह से ऊपर वालों पेज डाउन, इसको मैं कर देता हूँ और कलर। अब आपको तीन कैटेगरीज नजर आ गई, मैंने क्यों की तीन सेगमेंट बना, तीन कैटेगरीज बना दी सी। जी सर ठीक जी ठीक है जी सर ठीक है। अब मैं इसी कैटेगरी को जो मुनीरा ने किया था मैं उसमें कन्वर्ट करने लगा हूँ। क्या मैं कहने लगा हूं ये कैटेगरी है 1.1 से लेके 3 तक जिसकी रेटिंग है ना, ये वो कैटेगरी। पहले मैंने आपको समझाया था, अब आपको ये मैंने एक कैटेगरी बना दी, ये मैं कैटेगरी बनाता हूँ जिसकी रेटिंग 3 से लेके 6 तक है। इसको मैं 1 लिखता हूँ, 1 से 3। ए इस पे तो आप कोई इतराज नहीं किसी को, ये 1 से 3 ही बन रहा है कैटेगरी। आप इसको कैटेगरी को हम लिखते हैं, मेरे पूरे को टेक्स्ट कर लिया ना हमने, क्योंकि वो अदरवाइज लिखने नहीं देता। ठीक है, अब मैं इसको लिखता हूँ ये 3 से 6 की कैटेगरी है रेटिंग जो हमारी, इसको कॉपी करता हूँ यहाँ तक पेस्ट कर दो, सेंटर लाइन कर दो। अब हमारी है जी रेटिंग 6 से कहाँ तक है, 6 से 9 शरीयत, 6 से 10 लिख देते हैं। इसको कॉपी करता हूं और सारी पेस्ट कर। मैंने तीन कैटेगरीज बनानी, ये मैंने क्यों बनाई है, क्योंकि हमने अगर डैशबोर्ड बनाना है पिवट टेबल बनाना है। मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे। हाँ जी पूछे। अरे आप ये 1 से 3 तक जरा टॉप पे वापस आए। जी मैं आ जाता हूँ, पर सवाल पूछा करो, मुझे बड़ी खुशी होती है कोई नहीं पूछता। अच्छा अच्छा, आप सर ये देखें कि हमने जो सेकंड कैटेगरी है उसकी रेंज लगाई है हमने 3 से 6, ये 4 से 6 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम 3 करेंगे तो वो ऊपर वाली रेंज नहीं उठाएगा। नहीं अबव 3 उठाएगा ना, रेंज का मकसद ही होता है। नहीं हमने लिखा है कि 1 से 3 तक, देखो समझो यहाँ 3 खत्म हो गया, यहाँ 3 खत्म हो गया, तो फिर अगला 3 के बजाय 4 नहीं होना चाहिए। नहीं यहाँ पे 3.1 में भी तो है ना, 3.1, 2, 3, 4, 5। अच्छा इसका एक और काम कर लेते, लेकिन वो फिर ना वो मैं आपको फंक्शन में बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने अभी एक सिंपल किया था आप वाली जो बात है ना, अंडरस्टैंडिंग होगी मुझे। हाँ क्योंकि वहाँ लेफ्ट साइड पे देखो 3.1 है, यहाँ पे 3 स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ से 3 आगे चले तो ये ऑटोमेटिकली उठा लेगा। और जो मैंने सारे स्टेप किए ना उसकी एक वजह थी। अब आपने ये वाले स्टेप देखे, आपके पास टोटल कितनी वैल्यूज है आपको पता लग गया, 82 वैल्यू। अब मैं आता हूँ मूवीज में, मैं क्या करूंगा सिंपल, यहाँ पे फर्ज करो मैं लिखता हूँ रेटिंग CATEGORY रेटिंग कैटेगरी। अब ना आप लोगों की जिंदगी देखिए, वी लुकअप का फंक्शन आता है किसी को कि नहीं? नो सर। अच्छा चले,
आज के बाद आप लोगों ने, मैं आपको एक फंक्शन सिखाने लगा हूं, इस फंक्शन को आपने सीख लेना है, क्योंकि आप लोगों ने जब भी कोई काम करना है ना उसमें एक्सेल, पावर क्यूरी, गूगल शीट्स, कॉम्बिनेशन आपने हर चीज की यूज करनी है। छोटे से काम के लिए जरूरी नहीं है कि आप पावर क्यूरी में चले जाएं, और बड़े काम के लिए जरूरी नहीं है कि आप एक्सेल में रहें। यही सारी चीजें पावर क्यूरी में भी हो जाती है, लेकिन मैं आपको एक्सेल में सिखा रहा हूँ कि आपको बेस लाइन पता हो कि पावर क्यूरी बीच में बैकएंड में कर क्या रहा हूँ। अब जो आप अभी मैं काम करूंगा ना, मैं पंजाबी में बताऊंगा, आपने समझना है ये फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस बंदे को ये वाला फंक्शन आता है ना, वो बंदा अपने ऑफिस में किसी जगह में भी 70-80 हजार रुपए की नौकरी जब मर्जी कर ले, लेकिन उसको इस फंक्शन पे ग्रिप होनी चाहिए। तो मैं आपको सिखाने लगा हूँ। आप लोगों ने ऑफिस में सुना होगा वी लुकअप का फंक्शन, तो मैं आपको वी लुकअप का वालद मोहतरम एक फंक्शन है जिसको अबू कहते हैं, आगे इसका एक और फंक्शन लेटेस्ट ऑफिस 365 में और नया फंक्शन आ चुका है, लेकिन आप लोग कोई भी एक्सेल वर्जन यूज करेंगे ना, ये फंक्शन हमेशा अवेलेबल है और आप इसको यूज कर सकते हैं। आप इसको आपने समझना, एक्सेल में आपको पता है नीचे को ये जो हॉरिजेंटल है ये है रोज, और ऊपर को जो सारी चीज नजर आ रही है वो कॉलम, और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ना, तो ये D3 का मतलब क्या है, D कॉलम के 3 नंबर रो, मतलब कॉलम का नाम क्या है D, रो नंबर क्या है 3, ठीक है जी? 3 जी सर, जी सर। अब मैं एक फंक्शन लगाने लगा हूँ, जरा दिमाग हाजिर नाजिर हो, कोई बंदा भी खाना ना पकाए, कोई बंदा भी इधर उधर ना देखे, नहीं तो फिर आप वीडियो देख देख के शायद समझ ना पाए। हमेशा फंक्शन अप्लाई करने के लिए इक्वल टू का साइन पहले लगता है। एक्सेल का एक फंक्शन है MATCH, मैच। मैं मैच का फंक्शन लगाऊंगा, ब्रैकेट स्टार्ट कर दूंगा। यहाँ पे वो कहता है लुकअप वैल्यू, लुकअप अरे, मैच टाइप। अब लुकअप वैल्यू से क्या मराद, अपने इसको नहीं आपने याद रखना, जो जो इसको याद रखेगा ना वो फंस जाएगा। आपने ये फंक्शन पंजाबी में सीख ले, उर्दू में सीख ले, जो बंदा उर्दू में सीख सकता है उर्दू में सीख ले। इज इक्वल टू मैच, मैं कहता हूं कि ये जो 1.1 वैल्यू है ना, लुकअप वैल्यू, मैं क्या चाहता हूं कि वो इस वैल्यू को 1.1 को, इस 1.1 वैल्यू को, अच्छा उसने टेबल उठा लिया, मैं आपको टेबल, आपने फिर कंफ्यूज हो जाना, टेबल की बजाय इज इक्वल टू मैच, मैं कहता हूँ D2, आप मैंने D2 लिखा, उसने वो वाली वैल्यू सेलेक्ट कर लिया जी, जी सर कर लिया। मैं कहता हूँ मुझे D2 के अंदर जो 1.1 लिखा हुआ है वो सर्च करना, मेरी वो रिक्वायरमेंट है वो मैंने कहीं से ढूंढ के लेके आना। मैं कॉमा डालूंगा, मैं जाऊंगा उस शीट में जहां पे नहीं मैंने कैटेगरीज बनाई है, मैं ये पूरा ई कॉलम सिलेक्ट करूंगा पूरा। ये देखें यहाँ पे D2 के बाद उसने लिखा है जी Sheet 2 में जाओ और ई कॉलम सिलेक्ट करो। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, सिलेक्ट करो, और फिर मैं कहता हूँ कॉमा डाल के मुझे एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए जिसके लिए यहाँ पे लिखा हुआ 0 डाल दो। मैं ये 0 डाल देता हूँ और मैं ब्रैकेट बंद कर दूं, एंटर। आपके सामने उस फंक्शन ने कुछ स्टेप्स लिए, अब स्टेप समझिएगा वो क्या कहता है। कहता है ये जो 1.1 है ना, रो नंबर 2 पे पड़ा है। मैं इधर आया हूँ, ये 1.1 रो नंबर 2 पे नजर आ रहा है, ये रो नंबर 2 है जी, जी सर जी। अब आ जाए इधर, एग्जांपल लेते हैं, वो कहता है जी 2.6 है, रो नंबर 10 पे पड़ा है। रो नंबर 10 का है जी, ये रो नंबर 10 है, ये 2.6 पड़ा हुआ है जी यहाँ पे, ठीक हो गया सर, पड़ा हुआ जी। अभी हमने जो मैच का फंक्शन लगा, मैच का जो फंक्शन लगाया ना, उस मैच के फंक्शन से हमने पहली चीज की है, हमने उसको कहा है
कि तुम इस वैल्यू को हमारे इस कैटेगरी वाले कॉलम में जाओ और हमें ढूंढ के बताओ तो वो किस रो में पड़ा हुआ। तो एक्चुअली उसने हमें उसका, इसको कहते हैं एड्रेस, ये एक्सेल में उसको एड्रेस कि वो वैल्यू इस एड्रेस पे पड़ी हुई है। ठीक है जी? जी सर। लेकिन हमें चाहिए क्या कि 2.6 नहीं चाहिए, हमें चाहिए उसकी आगे जो कैटेगरी है वो उठा के, हमें चाहिए कि हमें कैटेगरी, हमने यहाँ पे कॉलम में ये नंबर तो आ ही रहा था, हमें वो कैटेगरी चाहिए। अब ये इतना सा मैच का फंक्शन लगाने के बाद एक इसमें कॉम्बिनेशन और, वो क्या, मैं यहाँ पे लिखूंगा आई एन डी ई एक्स इंडेक्स ब्रैकेट स्टार्ट, मैं उसे कहूंगा तुम जाओ उसी कॉलम में जिस पे ये 1.1 जिस रो में पड़ा है उसके सामने जो वैल्यू पड़ी है ना वो मुझे ला के दे दो, मैं ये कॉलम सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे कॉमा डालो, परेशान नहीं होना, मैं रिपीट करता हूँ, ये मैंने एंटर किया। यस, अब आप लोग जरा गौर से देखेंगे, अब आप देखिएगा मैं फिल्टर लगाता हूँ 1.3, ये सारी वैल्यूज वही है जो उस वैल्यू के अंदर आती कैटेगरी में। आ रही है? जी सर। जी सर। ठीक हो गया, मैं दूसरी कैटेगरी सिलेक्ट करता हूँ 3 to 6, आप देखें वो 3 to 6 की रेट 3.1 से शुरू होता है और 6 तक जा रहा है, ऐसे ही? जी सर ऐसे ही है। फिर 6 to 10 है, आप ये देखे 6 से शुरू होता है और 10 तक जाता है। ठीक है, अब एक वैल्यू कहता है ही नहीं, एक वैल्यू उसको पता ही नहीं चली, उसमें है ही कुछ नहीं, वो खाली है। ठीक है जी, तो हमारी रेटिंग की एक कैटेगरी बन गई। जब आपकी रेटिंग की कैटेगरी बन गई तो अब आप इस पे पिवट टेबल लगा सकते हैं आसानी से। एग्जांपल ले लेते हैं, मैं अब इसको लगा सकता हूं, इसको अनहाइड करता हूं। अब आप देखें कि ये हमारे पास एक रेटिंग की ये बन गई। अब मुझे बताएं कि आप लोगों ने ये कैटेगरी, रेटिंग की कैटेगरी ऐसे बनाई थी किसी ने? नो सर। जिन्होंने डाटा पे काम किया था सर, क्यूरी लगाई थी मैंने सर, ये रेंज मैन्युअली बनाई थी। मैन्युअली बनाई थी? मैन्युअली कैसे? मतलब मैं सेल सेलेक्ट करता था रेटिंग का, फिर उसको मैं मैन्युअली लिखता था। ओह माय गॉड, तो फिर अब आपको फीलर आया ये होगा। तो काम आसान हो गया। नहीं मतलब मेरा पर्पस भी यही था कि आपको फीलर आए, बहुत अच्छी तरह फील आ रहा है कि आपको जब एक चीज नहीं आती ना तो वो कितनी तकलीफ दे है, और जब आपको आ जाती है तो उसका कितना अच्छा सोल्यूशन मौजूद है। ठीक है नरमीन, आपको भी समझ, नरमीन आपको भी समझ आई कि नहीं? यस सर। ठीक है, अब मैं जाता हूँ वापस। अच्छा, ये मैंने आपको एक तरीका सिखाया है इसको कैटेगरी करने का, ताकि थोड़ा सा आसानी से समझ आ जाए। आपको मैच इंडेक्स का फार्मूला समझ आया? जी सर। इसके दो हिस्से हैं, मैं रिपीट कर, दो हिस्से इसके। पहला हिस्सा था मैच, मैच कराओ किसको, इस वैल्यू को, किसको, इज इक्वल टू मैच जो डी टू में वैल्यू पड़ी हुई है, इसको मैच कराओ मेरे रेटिंग कॉलम से, कॉमा 0 ब्रैकेट बंद, और क्या करो उस रो पे जो वैल्यू, उस रो पे जो वैल्यू पड़ी हुई ना, फर्ज करो इस एड्रेस के आगे इस कॉलम में जो वैल्यू पड़ी हुई है मुझे उठा के ला के दे दो। तो वो क्या करता है, सारी वैल्यू उठा के ला के दे दो। ठीक हो गया? हाँ जी जी सर। चले, अब आपको मैं, ये एक तरीका था लेकिन ये भी टाइम ज्यादा लेता है, आपको इससे भी अब स्मार्ट वे दिखाता हूँ ताकि आप इसको और आसानी से कर सकें।
अब आप लोग गौर से देखिएगा मैं क्या करने लगा हूं। मैं कंडीशन लगाने लगा हूं इज इक्वल टू इफ अगर डी टू ब्रैकेट शुरू करनी अगर डी टू में जो 1.1 है वो 3 से छोटा है या बराबर है, छोटा है या बराबर है 3 से, तो मुझे जवाब कैटेगरी में दे दे कि भाई इसको 1 से 3 लिख के दे दे। मैं इसको एंटर करता हूँ। वाओ, समझ आई किसे रू? कोई है जे? और कोई है जे? सर तोते उठ गए। मैंने एक सादी सी कंडीशन लगाई है, मैंने उसे कहा है अगर, दोबारा लगाता हूँ, इसमें अभी थोड़ी सी और कंडीशन लगानी है, आपको बहुत जिंदगी सेकंड में खत्म हो जाती है, आसान। मैं फिर सोचिएगा, लॉजिक समझिए। मैं कहता हूं इफ ब्रैकेट स्टार्ट, अगर डी टू की में जो वैल्यू आ रही है वो लेस देन है और इक्वल टू 3 है, तो कॉमा डाल के मुझे जवाब दे दो 1, 2, 3 कॉमा लगा के। अगर वो ये वैल्यू नहीं है वो अभी मैं बाद में बताऊं, ठीक है? बस ये कर दो। अब आप देखें उसने क्या किया, जो फाल्स है, उसने फाल्स का मतलब ये है कि वो कंडीशन जो हम लगा रहे हैं वो जहां गलत है वो फाल्स होगी, जहां ठीक होगी एग्जैक्टली 1 से लेकर 3 तक आ गया सारा लिखा हुआ। जी सर। अच्छा ठीक हो गया। अब एक और काम करता हूं। अब यहां तक तो ठीक हो गया, लेकर मुझे एक और कंडीशन लगानी पड़ेगी। अब गौर से देखिएगा दूसरी कंडीशन क्या थी, मुझे बताएं इस कंडीशन को बताएं हम क्या कहेंगे, मुझे आपसे पूछना है। अब मैंने यहाँ पे कंडीशन लगानी है, कंडीशन होगी कि अगर वैल्यू 3 से बड़ी हो, यही किया ना हमने, यहाँ पे 3 से बड़ी है ना? जी सर 3 से बड़ी है। और 6 के बराबर है और छोटी है, ऐसी के बराबर। जी सर ऐसे ही है। मैं अब एक कंडीशन लगाता हूँ, एक और, इसको मैं जहां तक ये इसको पहले सॉर्ट कर लेते ताकि आपकी आसानी के लिए ये रेटिंग सीधी आ जाए, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट रेटिंग कर देते हैं, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ताकि आपको नजर आ जाए सही। यहां तक आ गया जी? अब मुझे दूसरी कंडीशन लगानी है, लगाऊं जी अगर पिछली हजम हो गई है? यस सर लगा दे। चल मैं कंडीशन लगाता हूं इज इक्वल टू इफ अगर ये जो D40 है, D40 बड़ा हो 3 से। अब मुझे एक और कंडीशन लगानी पड़ेगी, मुझे पंजाबी में बताया कंडीशन क्या होनी चाहिए। अगर ये वाले सेल की वैल्यू 3 से बड़ी हो और 6 के बराबर और छोटी हो तो हमें वो कैटेगरी बना के दे देगी कि ये 3 से 6 की कैटेगरी है, ऐसा ही है? और समझ आ रही है? less than 6 वाली भी नहीं आएगी इसमें? हाँ चलो हम एक काम करते हैं, आपकी बात मान लेते हैं, अगर हम less than 6 लगाते हैं ना तो वो क्या करेगा, वो 3 से नीचे वाले greater than 3 और less than 6 yes. greater than 3 if, less than 6। अब इसमें आपको एक और अब नई चीज सिखाने लगा हूं, देर में रखिएगा, थोड़ी सी आप मुश्किल कुछ नहीं है, प्रैक्टिस ही है। अब इसमें ना उर्दू में होता है ना, मुझे बताएं अगर मैं लिखूं मैं या उमेर, इसका क्या मतलब है? या मैं
या उमेर का मतलब है या एक वो बंदा हाँ एक और का फंक्शन ठीक है, लेकिन अगर मैं और उमेर हूँ तो फिर एंड का फंक्शन आता है सी जी सर एंड और के फंक्शन ठीक है। अब मैं ना एंड का फंक्शन लगाने लगा हूँ क्योंकि हमें कंडीशन क्या चाहिए, फिर तीन से बड़ा हो और छह से बराबर भी और छोटा भी, मैं कंडीशन लगाने लगा हूँ इफ ये जो वैल्यू है d40 इज ग्रेटर देन 3। अब दूसरी कंडीशन मुझे लगानी है तो इसके लिए मुझे एंड का फंक्शन लगाना पड़ेगा, मैं यहां पे लगाता हूं a n d और ब्रैकेट स्टार्ट करा देता हूं। अब ये देखिए मैं उसको कह रहा हूं, नजर आ रहा है सबको कि नहीं? यस सर आ रहा है नजर। मैं उसको कह रहा हूं अगर और डी 40 3 से बड़ा हो कॉमा डी 40 छोटा भी हो और बराबर भी हो 6 के तो मुझे 3 से 6 लिख दो बस, नहीं तो फाल्स का जवाब दे दे। ओह माय गॉड, अब देखिए ऊपर गलत हो गया, उसने नीचे वाला फार्मूला लगा दिया, ऊपर कहता जी ऊपर भी मैंने वही लगा दिया, अब ऊपर कंडीशन गलत होगी लेकिन दूसरी हमारी ठीक होगी। देखें जरा 3 से 6 में आ गया जवाब जी, मतलब देखें 3.1 से शुरू होके 6 तक जवाब आ रहा है जी सर आ रहा है। अब हम चलते हैं और नीचे, एक और भी है ना हमारी 6 से ऊपर वाली कंडीशन भी तो है जी। अब हम पहुंचते हैं जनाब अली एक कंडीशन पे, यहाँ पे मैं इसी कंडीशन को यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, अगर यहाँ पे मैं कहता हूँ अगर ये 6 से बड़ा हो और लेस देन इक्वल टू 10 हो तो इसकी लगा दे जी 6 से 10। अब आप मजे की बात देखे, आप उसने वो कंडीशन लगा दी और बाकी कहता जी सारे ऐसे ही है, इसका जी सर ऐसे ही है। अब इसका सलूशन क्या हो सकता है कोई बताएगा? ये तो मैं एक लगाता हूँ दूसरा खत्म हो जाता है, दूसरा लगाता हूँ पहला खत्म हो जाता है, कोई सलूशन बता सकता है मुझे? सबसे पहले वाले पे तीनों कंडीशंस लगा दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब हम जाएंगे नेस्टेड इफ की तरफ, ठीक है जी? लगाऊं जी फिर मैं नेस्टेड इफ, अब हजम हो जाएगा ठीक है सर, पक्की खा लेंगे जी जी। ऑल ऑफ ऑल ऑफ हुण तुसी गौर ना वेखना जे मैं कहण की लगा, इज इक्वल टू इफ D2 is less than equal to 3 तो मुझे वो जवाब दे दे जनाब, ये कंडीशन 1 से 3 की बना दो। ओए हसन है कि नहीं? इधर ही हूँ सर, इधर ही हूँ, कर रहा हूँ साथ साथ। मैं क्या और इधर आना, बहुत पांचवा लेक्चर आ गया, थोड़ा सा तो आपको चस्का आए ना, मतलब सिर्फ मजे ही लेते रहे और पूरा काम भी करके लिए। ये पहली कंडीशन हमने यही लगाई थी, अब मैं जी जी सर यही लगाई, अब मैं कॉमा लगा के फिर एक इफ लिखना, इफ ब्रैकेट स्टार्ट एंड, ये आपके सामने हमने लगाई थी एंड में हम ब्रैकेट शुरू करेंगे और लिखेंगे डी टू, हमने अभी आपके सामने कंडीशन लगाई थी कि डी टू ग्रेटर देन 3 हो कॉमा डी टू लेस देन इक्वल टू 6 हो तो ब्रैकेट बंद कॉमा, हमें क्या बना के दे जनाब, इसको कह दे ये 3 से 6 की कैटेगरी और इसके अलावा जो मर्जी लिखा आ जाए
उसको वो जनाब बना दे कि ये 6 से 10 की कैटेगरी, ये एल हो जी एंटर ब्रैकेट ला, वो बन गई जे बिल्कुल एक ही सर बन गई है। हुआ क्या, एक ही फार्मूले से 1, 2, 3 हो गया। ये देखे नजर आ रहे हैं जी सर, सारे 1, 2, 3 वाले। अगर हम 3 to 6 करें तो ये 3 से लेकर 6 वाली कंडीशन आ गई, और अगर हम इसको 6 से 10 करें तो ये 6 से लेकर 10 तक आ गई। हम क्या किया, एक और हम मजे की बात क्या है, हमें ना ये एक्सरसाइज करनी पड़ी ना ये एक्सरसाइज करनी पड़ी, कुछ भी नहीं करना पड़ा। एक ये छोटा सा फार्मूला हमने लिखा है और हमने सारा सॉल्यूशन कर लिया। कुमार साहब आप कैसी फीलिंग है, मैनुअल लिख लिख के और फिर 2 तरीके एडवांस लिख के, और कोई फर्क पड़ा तबीयत में? डकार आ रहे हैं सर। नहीं अब देखो ना, अगर आप लोगों को मैं पहले ही ये बता देता तो आपको ये फीलिंग कैसी आती कि ये काम आसान तरीके से भी हो सकता है, ऐसे ही है? अच्छा जी, मैं इसको करता हूँ फर्ज कर लें सेव, मैं खोलता हूँ। अब आपको एक और मजे की बात दिखाते हैं। अभी आपने सोचा होगा कि अब इसका फंक्शन याद करना पड़ेगा और ये तो बड़ा औखा काम है, तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपको ये याद ही करना पड़ेगा इसका और भी। लेकिन आपको एक और हल करके देखते हैं। ये हमने टेबल बनाया हुआ जी, इसमें हमारे पास रेटिंग ये आ रही है। अब ये हम इसी को सिलेक्ट करते हैं, क्यूरीज में जाते हैं, हमारे पास ये टेबल नहीं है, मैं इसको फ्रॉम टेबल क्यूरी को ले जाता हूँ। अब ये टेबल है जी, अब हमने एक कॉलम ऐड करना है, कंडीशनल कॉलम। यहाँ पे ना ऐड कॉलम में एक ऑप्शन होती है कंडीशनल कॉलम, मैं इस पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे कॉलम का नाम रख लेते हैं जी हम रेटिंग, ये कंडीशनल कॉलम कैटेगरी, हाँ कंडीशनल कॉलम इसका नाम रखा है रेटिंग कैटेगरी। वो कह रहा पहले ही मौजूद है, उसको 1 लिख देता हूँ, हमने लिखा हुआ था ना रेटिंग कैटेगरी, क्रॉस चेक भी करना। अब आप मेरी बात याद करें, हमने उधर इफ लगाया था इफ जी। अब yes, अब आपने ये, अब यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिखना, मेरे पास एक यूजर इंटरफेस बना हुआ है, मैं कंडीशन लगाने लगा हूं। मैं कहता हूं अगर रेटिंग जो है, यहाँ पे हमने पहली कंडीशन क्या लगाई थी, इज लेस देन, इज लेस देन इक्वल टू, केवल 3 से छोटी भी हो या 3 के बराबर भी हो तो उसको वो क्या लिख दे, उसको हाँ जी हमने उसे कहा था 1, 2, 3 कर। वो कहता जी कि मैं 1, 2, 3 इसमें नहीं लिख सकता। अच्छा जी, रेटिंग कॉलम रेटिंग ऑपरेटर इज लेस देन, ओहो इधर मैंने एक कंडीशन लिख रहा इज लेस देन इक्वल टू 3, अगर वो 3 के बराबर हो या 3 से छोटा हो तो वो यहाँ पे मुझे 1, 2, 3 लिख दे, अदरवाइज एक नई कंडीशन उधर हम ऐड करते हैं, याद है ना इफ। फिर हमने एक इफ लगाया था, इफ रेटिंग इज, इसके अंदर आपकी एक और आसानी हो जाएगी, मैं कहूंगा इज लेस देन इक्वल टू 6 तो उसको कर दे 3 to 6, अदरवाइज वो कह दे जी 6 से 10 बस, 6 से 10 बस, इसको ऐसे करें और इसको करें जनाब टेक्स्ट चेंज टू टेक्स्ट चपलवान जी, उसने उसको टेक्स्ट आ रहा है, नहीं टेक्स्ट तो आ गया लेकिन उसको डेट में, उसको समझ रहा है ये डेट है। अगर मैं इसकी कंडीशन कॉलिंग में जाके वो देख रहा हूँ, उसने ये देखो उसने ऑटोमेटिकली इसको डेट का फॉर्मेट दे दिया,
मैं उसको कहना चाह रहा हूँ पहलवान डेट नहीं है, इसको तुम कॉमा लगा के 1 2 3 कर दे, इसको कॉमा लगा 3 2 6 कर दे, और इसको कॉमा लगा के कॉमा नहीं है तो पॉस्ट ट्रॉफी जो होता है 6 से 10 कर, मान जाएगा मान गया मुबारक। फिर मैंने इसकी टाइप टेक्स्ट कर दी। अब हम जाते हैं वापस, ये हमारा लोड हो जाए जरा डेटा। अब हम जाते हैं उस पे, उधर गई। अच्छा ये कैटेगरी जो उसने ना लगाई थी, ये उसने इसको भी डेट में कन्वर्ट कर दिया। डेटिंग कैटेगरी उसने उसको भी डेट में कन्वर्ट कर दिया ना, उसको भी खत्म करते हैं। ये वाली जी टेक्स्ट है, चेंज टाइप दिस इज टेक्स्ट, और अब इसको भी मुझे वहां जाके चेंज करना। उसने यहाँ पे टाइप चेंज कर दी, चेंज ना कर तेरी मेहरबानी। चलो हमारी ये रेटिंग कैटेगरी है और रेटिंग कैटेगरी 1 है, क्लोज एंड लोड। मुनीरा का मैसेज आया कि लाइट चली गई है, वो है पता नहीं तुम्हें आई नहीं। अब आप देख लें जी, आपने ये वाली जो रेटिंग कैटेगरी थी ये लगाई थी फार्मूले से, ये लगाई है पावर क्यूरी से। अब आप मैच करा के देखते हैं, 1 2 3 वाली जो है सारी 1 2 3 है, सिर्फ एक एडिशनल इसमें हमने इसको भी 1 2 3 लगा दिया था, जबकि एक्चुअली इसकी इधर रेटिंग रेटिंग खाली है। तो हमारा जो फार्मूला था ना, उसको हमने कहना है कि अगर रेटिंग कोई नहीं है तो खाली कर दो। मैं आपके पास इधर आता हूँ मूवीज में, फार्मूला कैसे लगाया, ये फार्मूला लगाया, अच्छा मिस साइमा का भी डिस्कनेक्ट हो रहा है। अच्छा गाइस, अब एक और कंडीशन में ऐड करने लगा हूं यहां पे शुरू में, इफ ब्रैकेट स्टार्ट, इफ t2 इज इक्वल टू ब्लैंक, तो ब्लैंक ही दे दो, मतलब खाली है, रेटिंग है ही कोई नहीं, अदरवाइज फिर ये सारे स्टेप्स करते जाओ। यहाँ पे मैं एक और ब्रैकेट